अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के दुनिया में करीब सभी लोग लोकल कंपनी का सीलिंग फैन इस्तेमाल करता है। नया खरीदने के बाद 2 साल या 3 साल बढ़िया से चलता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है, हमारी तरह मिस्त्री वो फैन जब रिपेयर करता है तब वो फैन 1 साल भी नहीं चलता है। इसका पीछे रीजन क्या है? तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला। वीडियो पे अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक काम करने का सही तरीका सिखाता हूँ। तो आइए दोस्तों, समझते हैं इस सीलिंग फैन का पूरा कहानी आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, सीलिंग फैन में सबसे इम्पोर्टेंट 3 प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 1 बियरिंग, नंबर 2 फिटिंग्स, नंबर 3 कॉयल। तो दोस्तों, सीलिंग फैन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बियरिंग। अगर बियरिंग खराब होगा तो धीरे धीरे पूरा फैन को खराब कर देगा। हाँ, सही सुना आपने, इसीलिए बियरिंग थोड़ा अच्छा वाला लगाना, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम, सीलिंग फैन में फिटिंग्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। फिटिंग्स अगर बढ़िया से नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। इसका मतलब सीलिंग फैन का लॉन्जिविटी थोड़ा बहुत कम हो जाता है, इसीलिए फिटिंग्स का ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद तीसरा प्रॉब्लम, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉइल अगर अच्छे से नहीं होगा तो बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि स्प्रिट थोड़ा बहुत कम हो जाता है या फिर फैन थोड़ा हीट हो सकता है। इसीलिए वाइंडिंग करने से पहले हमें दोनों चीज जानना बहुत ही जरूरी होता है। नंबर 1 कॉइल काटने का तरीका, नंबर 2 जेनुइन वाइंडिंग डाटा डालने का तरीका। तो दोस्तों, हमारे पास ये दोनों स्टार्टर है, दोनों सीलिंग फैन का है, एक पुराना वाली वाइंडिंग और एक नया वाइंडिंग करके रखा है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस मान लीजिए इसको वाइंडिंग करना है, आप लोगों को वाइंडिंग करने से पहले तो काटने का टाइम ध्यान से काटना है। ये जो पत्ती दिखाई दे रहा है ना, टूट गया है। इस कॉइल को पहले किसी ने किया है, बनाया है कॉइल, टूट के रखा है, ठीक है। तो टूटना नहीं है, तो अगर टूट गया है तो स्टेटर पे वाइंडिंग नहीं करना है, ये बात याद रखिए। वाइंडिंग करोगी तो चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक। इसलिए फ्रेश स्टेटर में वाइंडिंग करना चाहिए। तो ये वाला स्टेटर हम लोग वाइंडिंग नहीं करेंगे, बस आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप लोगों को पुराना वाइंडिंग कैसे काटना है, थोड़ा थोड़ा करके काटना है दोस्त, थोड़ा थोड़ा करके काट के स्टार्टिंग का एक रनिंग दोनों कॉइल लेकर गिनना है। इसमें कंपनी ने कितना ट्रांस डाल के रखा है उसको गिनना है, नोट करके रखना है, क्योंकि इसको जब बाद में हम लोग वाइंडिंग करेंगे ना, उस वाली डाटा को डाल दूंगा, उससे क्या होगा, कंपनी वाइंडिंग डाटा से वाइंडिंग होगा। और ये जो वायर देख रहे हैं, वायर भी थोड़ा क्वालिटी का वायर लगाना चाहिए। अगर ऐसे करोगी दोस्तों, वो कंपनी की तरह वर्किंग करने लगेगी, तो मेरा गारंटी है, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ लोगों का हमारा इस वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारा हर एक अपडेट आप लोगों को तुरंत मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो, ठीक है। और इसी तरीके से काम करना दोस्त, अगर रिपेयर करना है कोई भी चीज, रिपेयरिंग करना है, फैन हो या और कुछ, कोई भी चीज रिपेयर करना है तो बढ़िया से करना, अच्छे तरीके से करना है। और उससे कुछ पार्ट्स निकालना है, मान लीजिए ये वाला बियरिंग खराब है, बियरिंग थोड़ा अच्छा वाला बियरिंग लगाना है, अगर खुद लगाओगी अच्छा वाला लगाना पड़ेगा दोस्त। ये बात याद रखिएगा, हम लोग जब काम करता है ना, सभी सामान अच्छा वाला लगा, सभी सामान जो भी ऑयल का वायर अच्छा वाला, बियरिंग अच्छा वाला। तो आज का वीडियो इतना तक, बहुत बहुत धन्यवाद।